उपनगर के कांदिवली में स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर शताब्दी अस्पताल के अंदर शराब और बियर की बोतल मिलने पर आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। उत्तर मुंबई जिला आरपीआई के अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने आरोप लगाया है कि शताब्दी अस्पताल के अंदर शराब और बियर के बोतल मिले हैं। इतना ही नहीं, रमेश गायकवाड़ ने कहा कि जब इस हॉस्पिटल के अंदर किसी मरीज के रिश्तेदार को नहीं छोड़ा जाता तो फिर अंदर शराब और बियर के बोतल कहां से आया है? क्या यहां के डॉक्टर और नर्स शराब पीते हैं? हॉस्पिटल के अंदर शराब कहां से आया, कौन पीता है, इसकी जांच होनी चाहिए। शताब्दी हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर प्रतिमा पाटिल ने बताया कि इसकी रिपोर्ट बनाकर हम जांच करेंगे। न लावा, त्याच्याशी आमचं काही घेणं देणं नाही। आम्हाला तुम्ही उत्तर द्यायचे, बियरच्या बॉटल तिथे कुणी आणल्या, क्वार्टर कुणी प्याले, त्याचं उत्तर तुम्ही आम्हाला द्या। बस बाकी आम्हाला तुम्ही काय करताय त्याची चौकशी तातडीने, मी तुमच्या आदेश देते, लगेच चौकशीचे आदेश करून त्याची किमान 2 दिवसात त्याचं रिपोर्ट सबमिट करा। काय तुम्ही रिपोर्ट काय देणार आता? तुम्ही आता आपलं बोलणं झालं की मॅनेजमेंट जे सिक्युरिटी गार्ड असतात काम करता का फक्त पगार घेऊन झोपाय? हा तसंच वाटते। आता मी तुम्हाला काय सांगितलं, स्टाफ आहे का तुम्ही सांगितलं आहे, आता खाली आल्याच्या नंतर ते कुठल्या कंपनीला कॉन्टॅक्ट इथं बदललेलं आहे आणि त्याच्या टर्म्स अँड कंडिशन बदललेल्या आहे। म्हणजे 150 लोक काढून 40 लोकांना दिलं कॉन्ट्रॅक्ट? ते आधी हाऊसकीपिंग होतं नुसतं, आधीचं हाऊसकीपिंग आणि पेशंट केअर दोन्हीचं कॉन्ट्रॅक्ट होतं, तर आता ते हाऊसकीपिंगचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे आणि सेंट्रल परचेस डिपार्टमेंट यांनी ते केलेलं वरच्या लेवलला, आमच्या लेवलला झालेलं नाही। ठीक आहे, आम्ही वरच्या लेवलला ऐका, त्याचं तुम्हाला निरसन होणं गरजेचं आहे। ऍडिशनल जे पेशंट केअर साठी जे लागणार आहे त्याच्यासाठी आमचा प्रपोजल तयार आहे, वरच्यांशी वरिष्ठांशी बोललेले आहेत, ते ऍडिशनल लोक भरण्यासाठी अजून आम्ही प्रपोजल केलेले आहे, परत टेंडर करून करू। हम एक विज्ञापन देने को आए थे पाटिल मैडम को। रमेश गौड़ जी हमारे पार्टी के नेता है, जगदीश भाई झाल्टे, हरिहर यादव जी, अभयताई है, और ये सभी लोग हम यहाँ आए थे, संदीप शिंदे जी वगैरह। और यहाँ जो गेट का जो मसला था, 3 नंबर गेट खोलने के लिए, और ये सफाई का भी यहाँ बहुत बड़ा मसला है, उसके बारे में हम विज्ञापन देने को आए थे। विज्ञापन हमने दिया लेकिन हमको ऐसा पता लगा कि भाई यहाँ जेंट्स और जेंट्स टॉयलेट बंद है और लेडीज़ टॉयलेट यूज किया जाता है, जेंट्स और लेडीज़ दोनों मिलके। जब हम देखने को वहाँ गए टॉयलेट के बाजू में, तो हमारे पास वीडियो भी है, लेडीज़ टॉयलेट में जेंट्स भी टॉयलेट करके आ रहे थे। ये काफ़ी शर्मनाक बात है। और दूसरी, उसके बाजू में कम से कम 150 बॉटल बियर की बॉटल पड़ी हुई है, क्वार्टर की बॉटल यहाँ पड़ी हुई है। और हमारा कहना है कि यहाँ मैनेजमेंट जो ईगल सिक्योरिटी है, ये ईगल सिक्योरिटी का नाम बहुत पहले से ख़राब है। ये महिलाओं की छेड़छाड़ करने वाली सिक्योरिटी है, भ्रष्टाचार करने वाली सिक्योरिटी है, और इसका हमने कंप्लेन भी किया है। और दूसरी बात, यहाँ की जो डीन है पाटिल मैडम, वो भी 1-2 घंटे के बाद यहाँ देखने को आई है, और उनको भी कुछ पड़ी नहीं है। और बाबा साहब का ये हॉस्पिटल को नाम है, और ये यहाँ का स्टाफ है, जो डॉक्टर का स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, ये जानबूझकर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ख़राब करने का काम इन लोग कर रहे हैं। बहुत सारी समस्या तकरार हमारे पास आई है, लेकिन ये मैनेजमेंट सुधरता नहीं है। और इसलिए अभी हमने मांग की है, जो दारू की बॉटल यहाँ पड़ी है, लेडीज़ टॉयलेट यहाँ एक ही वापस जाता है, उसके खिलाफ़ ये मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ICRPI की मांग है।